हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वीला लव फॉर्च्यून डबल वन डबल वन कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिन भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो या फिर जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके लिए क्या फील कर रहे होंगे तो ये सब हम देखेंगे उनके मैसेजेस भी देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे ओके सो गाइज़ आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है इन द सेंस की इनिशियल चूज करना है ओके okay? तो अगर आपके पर्सन का नेम एफ एच एम पी ओ एस वी एक्स वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप वन या पाइल वन चूज करना है और अगर आपके पर्सन का नेम सी ई जी आई एल जे क्यू एन आर यू टी डब्ल्यू जेड से शुरू होता है तो आपको ग्रुप टू चूज करना है ठीक है यह फिर पाइल टू चूज करना है तो ये है ग्रुप वन पाइल वन ये है ग्रुप टू पाइल टू आप लोग देख लीजिए कि आपके जो भी पर्सन है चाहे लवर हो फ्रेंड हो क्रश हो हस्बैंड वाइफ हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो कोई भी हो एक्स हो ओके okay? उनके नेम कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं और उसे आप उसी ग्रुप को आपको चूज करना है ओके गाइज सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो गाइज ओके okay? तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हेलो पायल नंबर वन जिन्होंने भी पायल वन या फिर जिनके पर्सन का नेम ए बी डी के एफ एच एम पी ओ एस वी एक्स या वॉयस से शुरू होता है देखते हैं आपके जो भी पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं वो क्या सोच रहे हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके उनके मैसेजेस क्या हैं सब हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से लेटर्स दिखें ओके okay, तो चलिए अब देखते हैं सो गाइस अब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा ओके एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते के okay? चलिए देखते हैं प्लीज यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी फॉर नंबर वन द लवर्स व The High Priestess, Knight of Pentacles, Page of Swords, Ace of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है द मून ओके सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइज सो मून से मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज्यादा डाउट में हो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे चीजें छुपाते हैं आपके पर्सन को लगता है आप उनसे चीजें छुपाते हो एंड बहुत सारे इल्यूजन हैं आप दोनों के इस रिश्ते के बीच में जहाँ पे एक टाइम पे आपको लगता है सब अच्छा होगा दूसरी टाइम लगता है कि सब खत्म हो गया वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है ठीक है थोड़ा डाउटफुल एनर्जी है यहाँ पर ओके या डेफिनेटली मुझे लग रहा है डाउटफुल एनर्जी है न्यू बिगनिंग्स चाहते हो बट इनिशिएट नहीं करना चाहते दोनों की ऐसी एनर्जी दिख रही है बिकॉज किसी किसी के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर ऑनलाइन डेटिंग हो किसी किसी के लिए ओके ओके चीज़ so, मुझे यहाँ नजर आ रहा है मैं साइंस आपको बता देती हूँ हमारे पास है एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमेनाई ओके फिर हमारे पास वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस पाइशियस जेमेनाई की एनर्जी बहुत हैवी है लियो की एनर्जी बहुत हैवी है टॉरस की एनर्जी बहुत हैवी है एक्वेरियस uh, की एनर्जी बहुत हैवी है एयरिस की एनर्जी बहुत हैवी है वर्गो की, है, की एनर्जी है ओके सो यहाँ पर मुझे फायर साइन एयर साइन वाटर साइन अर्थ साइन सारे साइंस नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉन भी है ओके okay?

और बस कम्युनिकेशन में नहीं हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग वाली एनर्जी में जहाँ पे ये बार बार आपको चेकआउट कर रहे हैं देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो कब ऑनलाइन आ रहे हो आपने क्या स्टोरी डाला नहीं डाला ठीक है तो ये पर्सन डेफिनेटली आप पे नज़रें रखे हुए हैं ठीक है ये शायद आपको पता नहीं लगने देते हैं सीक्रेड एडमायर की तरह ये पर्सन पीछे पीछे ही आपकी ये सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं और आपको पता नहीं लगने देते हैं ओके एंड ये बहुत कुछ अज्यूम भी कर लेते हैं ठीक है आपके अकाउंट को देखकर आपके सोशल मीडिया को देखकर आपके स्टोरीज को देखकर कर सो so, मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये पर्सन अपने दिमाग में एज्यूम करते हैं आपको नोटिस करते वक्त एंड बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं और ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं इमोशनल वे में बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास डबल भी आया था तो so, डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक सोल अटैचमेंट एक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं इस वक्त ओके okay? जिसके वजह से हो सकता है ये थोड़े से एनशियस भी हो रहे हैं इस वक्त और बार बार आपकी पिक्चर्स देखना या फिर जो पिक्चर्स उनके पास है उन्हें बार बार जाके गैलरी में जाके देखना या सोशल मीडिया पे आपको देखते रहना तो ये सब उनके अभी लाइफ में चल रहा है ये सब ये पर्सन अभी कर रहे हैं ओके कुछ लोग यहाँ पर टून फिल्म जर्नी में हो सकते हो अगेन सोलमेट्स भी कुछ दिख रहे हैं पर ज़्यादा है यहाँ पे मुझे ट्विन फिल्म वाइब्स आ रही है एंड ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त हो सकता है पास्ट में इनके इंट्यूशन में ब्लॉकेजेस थे ये अपने सोल लेवल पर फील नहीं कर पाते थे अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग दिमाग के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलते थे बट अब ये जो पर्सन पर्सनल इंट्यूशन इन्टू, इन्टू, इनकी जो कह रही है वो ये सुन रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ कोई इन्हें कदम लेना चाहिए आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उन्हें चाहते हो एंड आप हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में हो ऑलरेडी उस पर्सन को पता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो आपका जो पोजिशन है उनकी आंखों में उनके नज़र में आपके आपका जो इमेज है वो बहुत अच्छा है एंड ये पर्सन चाह रहे हैं उसी वजह से ये पर्सन आपको खोने से थोड़ा डर रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं आप बहुत ज़्यादा मिस्टिकल हो इन द सेंस कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं ओके okay, तो इस पर्सन को समझ नहीं आता कि एक्चुअली आपके अंदर क्या है जिसकी वजह से ये स्टॉक करते हैं आपकी सच्चाई जानना चाहते हैं बट फिर भी ये पर्सन आपको अंदर से जान नहीं पाते हैं कुछ ना कुछ इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे राज रखते हो ओके okay? और ये इसी वक्त ये चीज़ भी ये सोच रहे हैं और इनको ऐसा अंदर से ख्याल आ रहा है कि आपके साथ एक न्यूज स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेटली भी आपके लिए फील करते हैं अट्रैक्टेड हैं बहुत ज्यादा आपकी तरफ तो ये पर्सन आपके साथ सोच रहे हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग्स किया जाए ये पर्सन खुद इनिशिएट लेने का सोच रहे हैं ओके विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि स्टेबल नहीं है लाइफ में फाइनेंशियली और इस पर्सन की अभी ऐसी माइंड सेट चल रही है अभी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इनके पास एक बार स्टेबिलिटी आ जाए फाइनेंस अच्छी तरीके से हो जाए तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छी वे में प्रपोज करेंगे आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आपको अप्रोच करेंगे ओके okay? बिकॉज इस पर्सन को चेंज चाहिए आप दोनों के रिश्ते में मुझे लग रहा है कि कुछ टेगनेंसी हुई या कुछ सेपरेशन वाला चीज़ें हुआ या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है अभी बातचीत नहीं हो रही है नो no कॉन्टेक्ट है तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप दोनों की जो सिचुएशन तब से चल रही है वो खत्म हो के एक फीस से एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में एंड इस पर्सन को डेफिनेटली इस वक्त लग रहा है कि कुछ डिस्टिंट कनेक्शन है एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आगे अब बढ़ जाना चाहिए अगर अब अगर रुक जाते हैं या फिर ये पर्सन अगर इग्नोर करने में लग जाते हैं तो शायद देर हो जाएगी तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है इस वक्त ओके तो चलिए और भी काज देखते हैं हम कि इस पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं प्यार तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको ये प्यार की प्यार की नज़र से आपको देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं इस वक्त ठीक है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपके पास आ जाना चाहिए लेकिन ये सोच रहे हैं ठीक है इन्हें ये बस सोच रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको स्टॉक करके अपना मन भर लेते हैं और ये ऐसे इंसान हैं कि बातें छुपाने में बहुत माहिर हैं ठीक है चीज़ों को अपने अंदर रखने में बहुत माहिर हैं इनके दिमाग में सब बातें चलेंगी आपको लेकर लेकिन ये आपको बताएंगे एक भी नहीं खुद ही एज्यूम करेंगे और ख़ुद ही फिर अपने अकॉर्डिंग ही मान लेंगे उस चीज़ को ओके तो ये चीज़ मुझे यहाँ नजर आ रही है ओके okay, तो हमारे पास है थंडर बोल्ट तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इस इस पर्सन को थोड़ा खौफ है डर है ये पर्सन अभी डर रहे हैं कि क्या होगा अगर सही में सब खत्म हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ ओके बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग भी सकता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं क्योंकि दो लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पर तो इस पर्सन ये भी जब पर्सन आपको स्टॉक करते हैं तो इनका ऐसा लगता है आपकी ब्यूटी को देखकर आपको देखकर कर ऐसा फील होता है कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो क्या होगा मेरी जिंदगी तो अप्स एंड डाउन हो जाएगी ओके okay? तो इस पर्सन के अंदर ये फीलिंग इस वक्त चल रही है एंड ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही होंगी इस वक्त ओके बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का, का कार्ड भी है ठीक है जो हमारे डेस्टिनी को कर्म को दर्शा रहा है तो हो सकता है कि अगर इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है तो इस वक्त उनके साथ भी कुछ खराब सिचुएशंस चल रही है उनको भी लेसन्स मिल रहा है उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है द बर्डन uh, इस पर्सन के लाइफ uh, में भी बर्डन है इन द सेंस कि हो सकता है इस इस पर्सन ने पास में कुछ खराब आपके साथ किया है हो सकता है आपको इग्नोर किया आपकी बातें नहीं समझी या कोई भी सिचुएशन था तो अभी वो चीज़ इनको तकलीफ दे रही है बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं वो ठीक है और उन्हें अपने दिलो दिमाग से वो सारी थॉट्स को निकालना है आपको बताना है एक्सप्रेस करना है बट द हाई प्रिस्टेस इन द मून है तो ये पर्सन उस चीज से भी डर रहे हैं एक्सप्रेस करने से भी डर रहे हैं किसी किसी के लिए मदर इशूज भी हो सकता है ठीक है कि अपने मदर की वजह से ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने अकॉर्डिंगली आगे नहीं बढ़ पाते हैं ठीक है डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है या या डेफिनेटली जो भी सिचुएशंस है करंट फीलिंग्स में आपको बता रही हूँ वहाँ पर क्रिएटिविटी तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो उनकी लाइफ में आपसे अच्छा कोई इन्हें कभी मिल नहीं सकता एन ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे थोड़े अच्छे तरीके से आपके पास आया जाए ये थोड़े से अपने आइडियाज़ पर काम करना चाह रहे हैं ये चाह रहे हैं कि अच्छे तरीके से ये चीज़ों को स्टार्ट करें पास्ट को ये भुला दें और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग्स करें लेकिन ये इतने सारा डाउट्स में और डर में फंसे हुए हैं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे आपको फेस करने से डर रहे हैं बिकॉज हो सकता है कि पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा भाव खाया हो इग्नोर किया हो तो अब जब ये फील कर रहे हैं तो ये आपके पास आने से इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो शायद आप इन्हें बहुत सुनाओगे या फिर आप इन्हें बोलोगे कि आप किस लिए आप आए हो ठीक है तो ये सब चीज़ों से ये पर्सन डर रहे हैं ठीक है तो हमारे पास है कम्पलीशन तो ये पर्सन डेफिनेटली कम्प्लीसन चाह रहे हैं इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा छूट गया है पीछे जिसे उसे उन्हें पूरा करना है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो जर्नी है उनकी वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई है फिर हमारे पास गोइंग विद द फ्लो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे, है। रहे हैं ये पर्सन अपने ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर रहे हैं हील हो रहे हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए इनके जो अंदर के जो चक्रा थे हर चक्रा थे वो हो सकता है ब्लॉक थी इमोशनली फील नहीं कर पाते थे तो अभी कहीं ना कहीं वो इमोशनल लेवल पे अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे और अभी फ्लो फ्लो में इनको जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस रास्ते पे चल रहे हैं विद कॉम्प्रोमाइज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेकर ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए लेकिन ये कभी आपको बताते नहीं है इनके दिल की ख्वाहिश भी है कि आपको खुल के बताएं लेकिन ये बताते नहीं है और इनको ये चीज़ पसंद भी नहीं है कि आपको बता नहीं पा रहे हैं बस स्टिल ये पर्सन अपने सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं करेज तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी है इनको और स्ट्रेंथ जुटाना है बिकॉज द मून है ओके एंड मून हमें यह बता रहा है कि इस पर्सन के माइंड्स में ढेरों सारे थॉट्स चलते हैं आपको लेकर आपको लेकर एजम्शनस लगाते हैं इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपको लेकर ये पर्सन आपको लेकर ओवर पॉजिटिव है लेकिन ये पर्सन कभी आपको बताते नहीं है कि ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर होते हैं इनको डर लगता है कि क्या होगा अगर आप इन्हें चीट करोगे इन्हें छोड़ के जाओगे बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको बता देंगे कि आपको लेकर पॉजिटिव हैं इनसिक्योर हैं आपको लेकर तो शायद आप इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लोगे या फिर शायद आप इनकी इनकी फीलिंग्स को आप वैल्यू

ठीक है उनको भी आप उन्हें वापस देना है उनको भी आप, केयर करना है उनको भी अपनी चीजों को शेयर करना है आप तक लेकिन वो चीज में ये पर्सन सफल नहीं हो रहे ओके okay? और भी कार्ड्स देखते हैं गिल्ट तो इस पर्सन को इस वक्त किसी चीज का गिल्ट है जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन हो सकता है कि पास्ट को लेकर बहुत सोचते रहते हैं हो सकता है इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया आप दोनों के रिश्ते में जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खत्म हो गया हो सकता है एक टाइम पे आपने एफर्ट्स डाले लेकिन अब आप, आप भी ऐसे मोड पे हो जहां पे आप भी इस पर्सन को अपना पाना चाहते हो और ना इस पर्सन के लिए कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हो और आप अपने ही पावर में खुश हो और कहीं ना कहीं वही वाली जो एनर्जी है वही वाली जो एनर्जी है जो आप इस पर्सन को शो कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो तो वही चीज कहीं ना कहीं इस पर्सन को खल रही है उसी वजह से

Queen of Wands. Four of Pentacles. Four of Swords. Ten of Swords. Queen of Wands. wow. Okay. So, ऐसे देखिए आप दोनों आप लोग देखिए यहाँ पर Queen of Wands and King of Wands है मुझे लग रहा है कि आगे चल के भी इस पर्सन को इस पर्सन की जो नज़रें हैं वो आप पर टिकी रहेंगी और आपकी नज़रें इन पर टिकी हुई रहेंगी ओके okay? बट मुझे लग रहा है कि फोर वीक्स तक ये पर्सन और भी टाइम ले सकते हैं बिकॉज़ ये पर्सन थोड़े लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने आप की जो फीलिंग्स है उसे दबा कर रखेंगे ये हीलिंग प्रोसेस पे रहेंगे ओके okay? ये अपने लिए टाइम निकालेंगे हीलिंग में रहेंगे एंड हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा पेन में भी रहे आपकी वजह से आपके तरफ आ नहीं पाए हैं और अपनी चीज़ों को ये थोड़ा सा छुपाएंगे अपने फीलिंग्स को छुपाएंगे फोर वीक्स टू वन मंथ का मुझे नज़र आ रहा है देन मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा कि इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि नहीं अब uh, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा मैं अब सह नहीं सकती या सह नहीं सकता एंड देन ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे बिकॉज इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ओके okay? इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप दोनों डिस्टिड हो इस पर्सन को ऐसा विश्वास है कि आगे चल के आप दोनों एक दूसरे का साथ पाओगे ज़रूर लेकिन इस चीज़ को एक्सप्रेस करने में इस पर्सन को टाइम लग जाएगा ठीक है ये पर्सन टाइम लेंगे ऐसा नहीं होगा कि ये किसी और रिलेशनशिप में चले जाएंगे या फिर ये पूरे तरीके से अकेले रहेंगे मुझे लग रहा है आइसोलेटेड रह सकते हैं बहुत ज़्यादा जित जितना दिन बीतेगा ये ज़्यादा ओवर प्रोडक्टिव होते रहेंगे आपको ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में आते रहेंगे आते रहेंगे और एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा कि ये पर्सन अपने पेन को झेल नहीं पाएंगे आपसे दूरी ये झेल नहीं पाएंगे और फिर ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहेंगे और ये पर्सन आपको फिर अप्रोच करेंगे तो जब आप दोनों की रियूनियन नज़र आई मतलब जब रियूनियन आप दोनों का करीब हो तब इस पर्सन का आ, आना मतलब आपको दिखेगा सनफ्लावर्स दिखेंगे ओके okay? एंड हो सकता है बटरफ्लाइज दिखे आपको कपल बटरफ्लाई जैसे एक वाइट या ब्लैक दोनों वाइट दोनों येलो तो बटरफ्लाइज और सनफ्लावर ओके okay? ये आपको नज़र आ सकता है ज़्यादा तौर पर जब आपकी रियूनियन नज़दीक हो तो ठीक है ये आपकी साइंस होगी तो वन मंथ का टाइम ये पर्सन और ले सकते हैं अगर अभी बिल्कुल नो no कांटेक्ट है यान एन ऑफ सिचुएशन है लेकिन वन मंथ बाद ये पर्सन जरूर लौटेंगे मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ओके okay? तो चलिए अब हम उनके मैसेजेस देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको ओके okay. सो so, सबसे पहला है कि हे बेब यू आर सो एट्रैक्टिव आई कॉन्ट कंट्रोल माई सेल्फ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिड है जैसे मैंने रीडिंग में पहले कहा था फिर है लेट स्टार्ट अगेन फॉर गेटिंग द पास्ट न्यूअर्स न्यू एक्सपीरियंसेस तो ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट जरूर करना चाहते हैं सारी बीती हुई बातों को भुला कर फिर है आई यू डोंट डिजर्व मी आई मजर्ग तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए डिजर्विंग नहीं है इस पर्सन ने बहुत गलत किया आपके साथ फिर है आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू तो ये पर्सन आपसे खुल के अच्छे तरीके से बातचीत या वार्तालाप करना चाहते हैं ओके okay, तो और भी मैसेजेस हम देखते हैं तो सबसे पहला मैसेज देखते हैं मे मंथ तो ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हो सकता है ये मे मंथ में भी लौटे ठीक है किसी किसी के लिए हो सकता है कि फोर मंथ्स का टाइम और लग जाए लेकिन ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि वन मंथ के अंदर ये पर्सन वापस आएंगे आपके लाइफ में ओके okay, तो मे मंथ या फिर बर्थ डेट भी हो सकते हैं फिर है हे यू लुक हेयर तो हो सकता है आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो ओके सो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो फिर हमारे पास तू ही हकीकत ओके okay? सो so, ये हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपको ये सॉन्ग डेडिकेट किया हो या फिर ये पर्सन ये सॉन्ग सुन रहे हो या फिर इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से छुपे हुए हों तो इस सॉन्ग को आप लोग जरूर सुनना मूवी का नेम मुझे याद नहीं है आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना तो ही हकीकत आपको मिल जाएगा फिर है फैब तो ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है फेब में भी ये पर्सन आपको सरप्राइज दे सकते हैं या वापस आ सकते हैं या प्रपोज कर सकते हैं वेलेंटाइंस में सो बी रेडी गाइज फिर है खामोशी में ही मेरा प्यार है तो अगर ये पर्सन साइलेंट मोड पे हैं तो ये आपको यही बता रहे हैं कि ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं आपको भूले नहीं है ओके okay? फिर है एन तो ये एन लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ओके okay? फिर है प्यार लफ्जों में कहाँ तो हो सकता है कि आप दोनों का लव जो है वो बहुत ज्यादा कभी झगड़ा होता है कभी बहुत प्यार होता है कभी सेपरेशन होता है कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के अलावा रह भी नहीं पाते हो ठीक है तो ऐसी कोई कनेक्शन आप दोनों की मुझे नजर आ रही है फिर है जून तो जून मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बर्थ डेट या मिलो या मिलोगे या मिले थे फिर है आई एम सॉरी तो ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं हो सकता है कि मुंह से बोलना नहीं चाहते बट आपको ये दिल से कहना तो जरूर चाहते हैं फिर है डब्ल्यू या एम ओके okay. फिर है आई वॉन्ट टू सिंग फॉर यू तो हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए गाना बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे एक सॉन्ग भी आया था या फिर हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारे पहले ये गाया करते थे आपके लिए डेडिकेट किया करते थे कंपोज किया करते थे तो अभी भी इनका बहुत मन हो रहा है कि आपके लिए कोई गाना गाए ओके सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई

सो so, मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे ओके गाइस सो चलिए देखते हैं so, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूं प्लीज पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचे जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो चलिए देखते हैं 13 inches help me for pan number two the lovers <laughs> wow while one maybe yeah, tha. love is in the air Strength King of Wands Okay, Six of Wands Two of Wands three of wands wow two three amazing व्हाट ऑन द डेक देख लेते हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद करते हो जब रात होता है तब और भी ज्यादा मिस करते हो ओके okay? एंड आपके पर्सन का थोड़ा सा तबीयत खराब भी हो सकता है ओके okay? एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो विश थी वो शायद अनफुलफिल्ड रह गई हो सकता है आप दोनों ने कुछ सपने देखे थे आप दोनों ने कुछ प्रोमिसज किए थे वो शायद कहीं ना कहीं नहीं फुलफिल हो पाई अभी के लिए एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आ, इनकी जो विश थी आपको पाना आपके साथ कुछ प्रसीड करना फ्यूचर में वो शायद कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है ओके ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनशियस हो जाते हैं स्ट्रेस में रहते हैं ओके एंड मुझे लग रहा है आप भी इस पर्सन को बहुत मिस करते हो ओके मुझे लग रहा है अल्टरनेटिव डेज पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा याद करते हो एंड रोते हो ओके okay, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल uh, एनर्जी मुझे दिख रही है जो साइंस आपके आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है वाटर 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 साइन वाटर या पाइशी स्कॉर्पियो फायर साइन एरीज लिए एजिटेरियस एय साइन एक्वेरियस ली ब्रजमेनाइ ओके यहाँ पर अर्थ साइन मुझे नजर नहीं आ रहा है बट और भी कार्ड्स देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगी अगर अर्थ साइन आया तो डिजेंट मैटर साइंस है या ना है अगर आपके एनर्जीज uh, यहाँ पर रेजोनेट हो रही है तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपकी है सो so, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए सो so, सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं हो सकता है ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहे हो या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ हो बट हो सकता है कि नो no कॉन्टैक्ट है या फिर आप दोनों सेपरेट रहने लग गए हो या कुछ भी हो सकता है किसी किसी के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों की रिसेंटली बात स्टार्ट हुई है ओके okay, बहुत टाइम गैप के बाद और अभी आप लोग धीरे धीरे आ, आराम से बात कर रहे हो एक दूसरे से ठीक है बट अभी तक भी कोई फाइनल कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिला नहीं है तो वो बहुत जल्दी मिलने वाला है जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है उनका मैं बता दूँ आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे क्योंकि उनकी जो मन की हालात ऐसी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आप उन्हें कुछ सॉलिड कमिटमेंट एंड प्रपोजल देना चाहिए तो जिनकी बातचीत हो रही है कम्युनिकेशन में हूँ आप लोग अपने पर्सन के साथ उनके लिए बता दूँ आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है या फिर ये पर्सन अपने दिल की बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके साथ ओके तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है सो so, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए इमोशनल वे में फील कर रहे हैं चाहे आप लोगों की कंडीशन सिचुएशन कैसी भी रही हो एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की हो सकता है पास में इनके पास दो ऑप्शन थे लॉन्ग uh, डिस्टेंस भी ये हो सकता है और दो ऑप्शन थे इस पर्सन के पास uh, हो सकता है अपना करियर था फैमिली था थर्ड पार्टी था आप थे या कोई इनकी दो थाट्स थे और तब ये पर्सन इनडिसाइसिव थे या फिर इस पर्सन को ऐसा था कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है किसी एक चीज़ को ये इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते थे लेकिन अब इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आ रहा है कि ये आपकी तरफ डिसीजन ले बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर इमोशंस तो है ही इनके मन में पैशनेट भी है और ये पर्सन के अंदर अब स्ट्रेंथ आ रहा है कि ये आपके तरफ कोई डिसीजन ले बिकॉज हो सकता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है और इस पर्सन को ये चीज़ का अंदाज़ा है कि आपने इस पर्सन को कितना ज़्यादा झेला है अपने लाइफ में इस पर्सन को पूरी तरीके से पता है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ क्या नहीं किया और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप पेशेंटली इनसे प्यार करते गए पेशेंटली आप इस पर्सन को झेलते गए एंड अभी भी आप इस पर्सन का वेट करते हो तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन आपके तरफ डिजीशन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ आने आने के लिए सोच रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं ऑलसो मुझे लग रहा है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हों ये जो पर्सन है ये आपकी ही राह देखते हैं ओके okay? ये आपकी ही राह देखते हैं आ, दूर से ही भल सही लेकिन ये आपकी राह देखते हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप इन्हें कॉल मैसेज करो बिकॉज इनकी ईगो बहुत ज़्यादा है ओके okay? सो so, ये खुद से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते खुद से रिप्लाई टेक्स्ट नहीं करना चाहते लेकिन ये आपसे जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें कॉल टेक्स्ट करो बिकॉज ये आपका आपका वेट जरूर करते हैं ओके okay? आपकी राह जरूर देखते हैं बैठे बैठे ओके अगर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो तो डेफ़िनेटली ये जो पर्सन है किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं क्विक एक्शन लेने का सोच रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को समझ आ चुका है कि इनको आपके अलावा कोई झेल नहीं सकता और इनको ऐसा भी फील होता है कि आप दोनों का एक इन्फीनाइट कनेक्शन है ओके जिससे ये पर्सन अगर इग्नोर भी करना चाहे तो भी ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पाएंगे ओके एंड ये पर्सन अब आप आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आप लोगों ने आप लोगों को बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली है आप लोगों को नेम फेम मिला है या फिर आप दो, आप लोगों ने लाइफ में कुछ अच्छा किया है जो चीज़ को देख कर ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाह रहे हैं ठीक है तो ये चीज़ भी दिख रहा है एंड जो लोग कम्युनिकेशन में हो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं आपसे एंड ये बस एक सही वक्त का वेट कर रहे हैं कि जिस वक्त ये पर्सन आपको अच्छी तरीके से प्रपोज कर कर पाए मैरिज के लिए तो ये चीज़ में नज़र आ रहा है चलिए और भी कास्ट देखते हैं फिर और भी फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं किसी किसी के लिए ये पर्सन आपके तरफ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं आपसे मिलने का सोच रहे हैं तो हो सकता है कि ये पर्सन प्लान करे और आपके तरफ मिलने के लिए आए अगर जो लोग लॉन्ग लो डिस्टेंस लो में हो ओके तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपसे ये मिले ओके चलिए देखते हैं तो हमारे पास है ट्रैवलिंग <laughs> वाह अभी मैंने क्या क्या कहा और वही आया तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं मे बी वो एक दिन ढूंढ रहे हैं जिस दिन वो ट्रैवल कर पाएँ आपके आपके पास आ पाए या फिर ये सिचुएशन को ख़त्म करने का सोच रहे हैं जैसे पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है तो उससे ये पर्सन निकल कर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं ट्रैवल डेफिनेटली आपके तरफ करना चाह रहे हैं आपसे मिलना ज़रूर चाह रहे हैं चाहे आपके आपसे दूर रहते हो या पास रहते हो ओके okay. फिर हमारे पास पार्टिसिपेशन वाओ तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर शादी की बात चल रही है या जो लोग सिंगल हो मैरिज की एज हो गई है मैरिज करना चाह रहे हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज के पर्पज से सोच रहे हैं आपके साथ शादी करने का सोच रहे हैं एंड ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देना चाह रहे हैं या आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप फिर से एक बनाना चाह रहे हैं ओके okay? क्योंकि देखिए टू थ्री फोर ठीक है So, स्टेबिलिटी uh, बनाया था बैकअप हो फिर आपने बनाया, फिर आप के आ गए चार डंडे खड़े करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में ताकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई इसे तोड़ ना पाए और भी काज देखेंगे हम मच्योरिटी तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के माइंड uh, में इस पर्सन के पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा मच्योरिटी आई है हो सकता है इनको फाइनेंशियल गेंस भी हुआ है थोड़ी सी स्टेबिलिटी इनके लाइफ के ख़ुद के पर्सनल लाइफ में आया है तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा मच्योर वे में सोच रहे हैं ओके okay? इग्स्टिक तो ये पर्सन है बट ये पर्सन अब अपने मच्योरिटी से सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए इनके लिए कौन सा कनेक्शन फ्रूटफुल रहेगा इनके लिए कौन सही है कौन गलत है तो ये सारी चीज़ों को ये पर्सन अभी सोच रहे हैं इस पर्सन के दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं ओके okay? हमारे पास है स्लोइंग डाउन तो ये पर्सन जो है आपके तरफ क्विक एक्शन लेना चाह रहे हैं बट ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे ग्रो करें बिकॉज मुझे लग रहा है कि पहले बहुत पैशनेट कनेक्शन आप दोनों का स्टार्ट हुआ था बहुत ही इंथुजियाजम था आप दोनों के बीच में लेकिन तब ऐसे हो गया था कि ना आपको समझ आ रहा था और उनको समझ आ रहा था और कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़राब हो गया था तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि भले ही धीरे धीरे हो लेकिन अच्छे तरीके से रिलेशनशिप ग्रो करें मच्छ्योर वे में ये कनेक्शन फिर से ठीक हो ओके और भी आज देखेंगे हारमनी वाव टेन ऑफ काप्स का कार है डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं इस वक्त इनको क्लैरिटी मिल चुकी है इन्होंने डिसीजन डेफिनेटली अपने दिमाग में ऑलरेडी बना लिया है कि इनको आपके साथ फ्यूचर करना है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो आप दोनों के किड्स भी हो सकते हैं बट सेपरेटेड अलग अलग जगह में रह रहे थे तो ये पर्सन को अब समझ आ गया है कि हारमनी पीस आपके साथ ही है तो ये पर्सन कम करने वाला है बहुत जल्द और फिर से आप दोनों एक साथ में बहुत खुशी खुशी मैरिड लाइफ बिताने वाले हो ठीक है और जो लोग सिंगल हो ये पर्सन डेफिनेटली प्लानिंग कर चुके हैं ये आपको एज अ फ्यूचर हस्बैंड एज अ फ्यूचर वाइफ देखते हैं ऑलरेडी फिर है रिसेप्टिविटी तो डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से इनको जो भी साइंस मिल रहे थे इन्होंने एक्सेप्ट किया आपने इनको जो भी लव प्रोवाइड किया अपने पास में जो भी लव दिया जो आप प्रेजेंट में दे रहे हो जो भी आप मैसेजेस फ्रिक्वेंसीज इस पर्सन को सेंड कर रहे हो ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड ये पर्सन की जो आप चक्राज़ हैं या फिर कुंडलिनी है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अराइज हुई हो बैलेंस हुई हो जिसके वजह से ये पर्सन मेचोरिटी के साथ सोच सोच समझ पा रहे हैं फिर हमारे पास राइपनेस तो डेफिनेटली ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं ओके ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है फ्रूटफुल वे में आगे बढ़े ग्रोथ हो ओके और इस पर्सन की कोई मुझे यहाँ पे मेंटेलिटी नजर नहीं आ रही है कि ये पर्सन खत्म करना चाह रहे हैं या कुछ ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होपफुल है आपके रिश्ते को लेकर आइसोलेशन तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़े से अकेले भी हैं मे बी आपको मिस करते हैं आ, रोते होंगे आपके लिए या फिर हो सकता है कि कुछ टाइम पहले इन्होंने बहुत रोया बहुत ज़्यादा अकेला फील किया उन्होंने आपके बिना और अब इन्हें समझ आया कि आपके बिना इनका कोई नहीं है जो इन्हें प्यार कर पाए ओके बॉटम ऑफ द डेक्स देख लेते हैं हमारे पास है ब्रेक थ्रू तो मुझे लग रहा है कि सारे तरह के बंधनों से ऑब्स्टिकल से ये पर्सन निकल के आना चाह रहे हैं ओके अब इस पर्सन को कोई नहीं रोक सकता मुझे लग रहा है कि इन्होंने प्लानिंग्स करना शुरू कर दिया आपकी तरफ वापस आने के लिए ओके okay, बट ये एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं या फिर अगर ये जॉब जॉब करते हो बिजनेस करते हो तो उस चीज़ से ये पर्सन फ्री होकर आपके तरफ आना चाह रहे हैं ठीक है अब ये किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स को झेलना नहीं चाहते हैं सब कुछ चीज़ें लांग कर ये आपके तरफ आने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ओके गाइज़ सो चलिए हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए सो so, यहाँ पे अर्थ साइन भी है गाइज वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन यहाँ पर राइपनेस आया है ओके स्लोइंग डाउन है मच्योरिटी है तो अर्थ साइन भी है फायर साइन है एयर साइन है वाटर साइन भी है कैंसर ओके एरीज लियो ओकेटीरियस एक्वेरियस से लिब्रा जो सारे साइंस मौजूद है गाइस ओके चलिए देखते हैं ओके तो हमारे पास है द एम्प्रेस क्वीन ऑफ वॉर्न्स अगेन यहाँ पर किंग ऑफ वॉर्न्नस भी है वाओ तो यहाँ पर भी कुछ लोग प्रिंटॉर्म डरनी या सोलमेट सो सकते हो या फिर जिन्होंने पाइल वन देखा है वो पायल टू भी देखने आ रहे हैं गारंटीड कुछ ना कुछ लोग हैं यहाँ पर फ्रेंड जरूर बताइएगा कौन कौन हो जो दोनों फाइल चेकआउट कर रहे हो जजमेंट ओके वाओ एट ऑफ वॉर्नस आप लोगों के फाइल में बहुत रिपीटेटिव नंबर्स आ रहे हैं सिक्स सिक्स एट एट ओके, थ्री थ्री टेन टेन वाओ अमेजिंग ओके बॉटम ऑफ द डेक्स हमारे पास है फोर ऑफ वाओ सो गाइस बहुत जल्द डिवाइन टाइमिंग आने वाला है ओके हमारे पास फोर ऑफ वॉन्स भी है जो बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आप दोनों का आने वाला है बहुत टाइम से अगर आप वेट करें इस पर्सन का हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है अपने ऊपर काम किया है सेल्फ लव किया है तो डिवाइन टाइमिंग जरूर आएगा आपको जजमेंट मिलेगा एंड ये पर्सन बहुत जल्द आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो अनएक्सपेक्टेड वे से इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा और ये पर्सन खुल के क्लियर तरीके से आपको बात करेंगे क्लियर तरीके से अपने दिल की बात बताएंगे क्लियर तरीके से अपने डिजायर नीड्स को आपके सामने रखेंगे उनके और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे एंड मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैरिज देंगे और पूरी तरीके से इमोशनल वे में केयरिंग वे में ये पर्सन चाहेंगे कि आप उन्हें अपनाओ ओ ओके okay? लेकिन हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए तब हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा रूड बिहेव करो इस पर्सन को इग्नोर करो या फिर इस पर्सन को अपनाना ना चाहो उनकी गलतियों की वजह से बट बहुत जल्द मुझे विद इन एट टू टेन डेज मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की कम्युनिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगी ओके okay? और जाए ज़्यादा से ज़्यादा टेन वीक्स ओके और उसके बाद मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली या तो मैरिज होगी या फिर अगर मैरिड हो तो रिकनसाइल हो जाओगे या फिर रिलेशनशिप uh, स्टार्ट होगा आप दोनों का चाहे जो भी सिचुएशन हो यहाँ पर ओके okay? और या uh, डेफिनेटली yeah, uh, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और जब रिकनसाइल uh, हो जाओ तो हो सकता है मैरिज भी जल्दी हो जाए एंड मैरिज के बाद हो सकता है कि कंसीव uh, भी जल्दी कर लो ठीक है फर्टिलिटी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो या फिर अगर मैरिज करना चाहो तो ठीक है तो चलिए अब देखते हैं कि uh, इस पर्सन की मैसेजेस uh, क्या हैं आपके लिए चलिए देखते हैं तो so, सबसे पहला मैसेज है हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एट्रैक्टेड है आपके तरफ फिर है आ, मैं ऐसे जी जी कर परेशान हो चुका हूँ आई वॉन्ट टू कम बैक लव तो ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रह रहे कि परेशान हो चुके हैं अब ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहे हैं फिर है आई वॉन्ट ए न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन की तरफ से उनके लिए एक तोहफ़ा हो और उन्हें आपके पास आना है और नई शुरुआत करना है फिर है मैं रोज प्रे करता हूं तुम्हारे लिए या करती हूं तुम्हारे लिए तो इंफरनाट का साइन यहाँ पर दो बार है तो इन्फरनाइट कनेक्शन है ये चलिए और भी मैसेजेस हम आ, देख लेते हैं ओके चलिए देख लेते हैं और भी मैसेजेस और भी कुछ मैसेज देख लेते हैं तो सबसे पहला है कांट यू फील मी तो इस पर्सन कैसा लगता है कि आप इस पर्सन को फील नहीं करते हो जिस वजह से ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं फिर है रिप्लाई फ़ास्ट तो मैं भी हो सकता है कि आप रिप्लाई इन्हें लेट से दे रहे हो या फिर अभी आप इग्नोर कर रहे हो या फिर अगर रिसेंटली बातचीत शुरू हुई है तो आप उतना इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे हो फिर है यहाँ पर ट्रिपल टू अगेन अंजीलिंग नंबर वाओ कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फिल्म जर्नी में डेफिनेटली हो फिर है लेट्स मीट अगेन तो ये पर्सन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं ट्रैवलिंग का भी कार्ड था Uh, फिर है यू आर ऑलवेज इन माई माइंड तो हमेशा आप उनके दिलो दिमाग में रहते हो फिर है आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स एंड आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर वंस अगेन प्लीज व गिव मी तो ये पर्सन आपके लिए ड्रीम्स देखते हैं इनको ड्रीम्स में आप दिखते हो और ये पर्सन चाहते हैं आपसे और एक मौका ताकि आप दोनों एक दूसरे को माफ करके एक नई शुरुआत कर पाओ फिर है बेबी तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको बेबी कह के बुलाते थे या बुलाते हैं फिर है खामोशी में ही मेरा प्यार है तो मे बी ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और बहुत जल्द कम्युनिकेट भी करेंगे शायद अब तक ये शांत थे फिर है बी माइंड तो ये आपको अपना बनाना चाहते हैं फिर है जी तो जी लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्या है मिराकल ओके तो अगर आपने होप्स खो दिए थे इस कनेक्शन का कि ये इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता तो अभी आप होप्स रखिए मिराकल डेफिनेटली आपके लाइफ में होगा फिर है क्यूट तो इस पर्सन को आप बहुत क्यूट लगते हो और ये पर्सन भी खुद बहुत क्यूट हो सकते हैं वी ओके सो ये लेटर है इंपॉर्टेंट हो सकता है फिर है स्लिम तो आप स्लिम हो सकते हो या वो हो सकते हैं ब्लैक हेयर हो सकता है आपका या उनका एंड देन वॉट वी हैव आई एम वेरी सैड कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी एंड टॉक टू मी वंस तो हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है या वॉइस वॉस सा और ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं बहुत उदास हैं आपके बिना ओके okay, गाइज़ सो so गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आएगा अगर पसंद आए रेजुनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज तब तक के लिए बाय बाय टू